हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से साहिल सचिन व्लॉग्स हमारे यूट्यूब चैनल पर और स्पोर्ट्स वर्ल्ड पंचकुला पर। दोस्तों, ये एक वीडियो बहुत खास बन रही है। इस वीडियो में हम कुछ नॉलेज देने लगे हैं आपको। नॉलेज के रिगार्डिंग ये वीडियो हम बना रहे हैं और इसमें बता देता हूँ, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि बैट पे थ्रेड कैसे करें। सो दोस्तों, सबसे पहले आप हमारा साहिल सचिन व्लॉग्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारे व्यूज़ आ रहे हैं, बट बहुत सारे व्यूअर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, सो दैट आपके पास नोटिफिकेशन रेगुलर आती रहे जब भी हम अपनी कोई वीडियो अपलोड करते हैं। सो दोस्तों, देरी नहीं करेंगे हम, मैं अब आपको लेके चलूंगा सीधा जहां पे हमने ये सारा सामान इकट्ठा किया हुआ है। आपको दिखाऊंगा कि आज हम थ्रेडिंग कैसे करते हैं। बने रहना वीडियो में, बहुत खास वीडियो है, एंड तक देखना इस वीडियो को। दोस्तों, मैं अब अपना कैमरा फ्लिप करने जा रहा हूँ। सो ये देखिए दोस्तों, ये सारा सामान है, ये थ्रेड हो गई, ठीक है। और ये जो सॉल्यूशन जिससे थ्रेड को हम पेस्ट करते हैं, चिपकाते हैं, ये बेल हमने, इसका पता लगेगा आपको वीडियो में, बने रहें, आपको पता रहेगा ये किस लिए यूज़ होता है, सीज़र कट करने के लिए। और ये बैट जो किसी वैल्यूएबल कस्टमर का है हमारे, इस पे थ्रेड होगी अब। सो गजेंद्र भैया आ चुके हैं पिक्चर में। सो चलिए गजेंद्र भैया, देखिए दोस्तों, पहले सबसे पहले आपने फिंगर पे इस तरीके से इसको रोल करना है ताकि आप इसका ग्रिप बन सके। अब इसके बाद आप ये देखें, इसको हमने ऐसे इस पे लपेटना, इसको रोल करना शुरू कर देना है। देखिए, जितना भी हम इस पे ये थ्रेड करना चाहते हैं हम उतना इसको करेंगे। हम देख रहे हैं यहाँ पे, अब देखिए ये बेल का यूज़ यहाँ पे आ चुका है। बेल पे इसको हमने ये लपेट लिया और ये देखिए, ये टाइट करने के काम आती है दोस्तों। अब आप देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए, ये टाइट, सो दैट कि आप इसको अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे। ज़्यादा टाइट करेंगे तो यहाँ पे निशान छोड़ जाएगा, हल्का सा निशान तो ये भी छोड़ेगा, बट बहुत ज़्यादा करेंगे तो वुड के अंदर ज़्यादा मार्क छूट जाएगा, तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो ये देखिए, और दोस्तों ये कोई ज़्यादा बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, ज़्यादा टाइम का प्रोसेस नहीं है, बहुत इजी प्रोसेस है। आप कोई भी घर बैठकर बड़े आराम से कर सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बैट कहीं भेजना है या किसी शॉपकीपर के पास भेजना है, कोई भी ऐसी ज़रूरी नहीं है। तो ये देखिए दोस्तों, एंड तक बने रहना इस वीडियो में। आपको अभी ये सिर्फ कार्यक्रम शुरू हुआ है, प्रोसेस अभी सिर्फ स्टार्ट हुआ है, और अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल भी यहाँ पे आपको गैप नहीं नज़र आ रहा, ये गैप नहीं रहना चाहिए। और ये देखिए, ये देखिए आप, ये टाइट भी हो रही है साथ साथ में। टाइट करना इसलिए ज़रूरी है दोस्तों, वरना ये जल्दी लूज़ हो जाएगी, फिर जब आप खेलेंगे एक दो बार बॉल लगेगी, छूट जाएगी, ये निकल जाएगी थ्रेड, तो इसलिए। ये देखिए दोस्तों, तो आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग या बैट पे क्रैक के अकॉर्डिंग इसकी विड्थ डिसाइड कर सकते हो कि कितना चौड़ा रखना है। ये नया बैट है, प्रिकॉशनरी हम इस पर ये थ्रेड कर रहे हैं। कस्टमर की डिमांड थी कि उनको टो पे थ्रेड करना है, हो सकता है उनकी बॉल टो पे ज़्यादा लगती हो, तो इसलिए वो टो पे थ्रेड करवा रहे हैं। या कई बार बैट्स के टो पतले होते हैं, हम तब भी करवा लेते हैं थ्रेड। तो ये देखिए, मैं बहुत ही क्लोजअप से आपको दिखा रहा हूँ, जब एक बार लास्ट फाइनल हो जाएगा मैं आपको फिर दिखाऊंगा ये। इन द मीन टाइम मैं आपको साहिल भाई से हाय करवाता हूँ। साहिल भाई, हाय फ्रेंड्स, होप यू आर गुड। साहिल भाई कुछ कहना चाहते हैं आप व्यूअर्स को? बस बहुत अच्छी वीडियो बन रही है आज, और इससे आपके एजेस और टो प्रोटेक्ट रहते हैं। आप नए बैट पे भी ये करवा सकते हो, क्योंकि हम जब कॉर्पोरेट क्रिकेट खेल रहे हैं तो कई बार बॉल टो पे आके नहीं लगती और बड़ी कंप्लेंट आती है कि नीचे से टो क्रैक हो रहा है, तो दिस इज द वे टू प्रोटेक्ट द टो।
साहिल भाई, टो से रिलेटेड मेरे दिमाग में इमीडिएट एक क्वेश्चन आ गया व्यूअर्स की तरफ से। अगर टो क्रैक होता है तो, और नया बैट है, जैसे मान लो मैंने आज बैट लिया और मैं नेट प्रैक्टिस के लिए गया और टो पे बॉल लग गई, तो क्या वो वारंटी में कवर होता है कंपनी की? इस पर भी हम एक वीडियो बना सकते हैं, इस पर भी एक वीडियो बन सकती है पूरी कि हाउ टू प्रोटेक्ट योर बैट, राइट। और पिछले जो हमारा व्लॉग था उसमें तो हमने बनाई थी ये। तो कंपनी की वारंटी बड़ी क्लियर है कि जैसे ये बैट है हैंडल की, और अगर बैट ऐसे फट जाता है, ठीक है, तो इसकी गारंटी है बैट की, तो वो भी वो इंस्पेक्ट करेंगे कि बैट ऐसे जो फटा है वो बार बार टो पे लगने से तो नहीं फटा। ओके, तो इन सिंपल वर्ड, इफ इट इज ए मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट, ठीक है, तो बैट रिप्लेस हो जाता है। बट इफ इट इज ए प्लेइंग फॉल्ट, लाइक पहली बॉल पे लगी और यहाँ से क्रैक आ गया, ये दब गया, ये निकल गया, यहाँ से कट गया, नो रिप्लेसमेंट। बट कस्टमर को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर 100 में से 90 बैट जब बॉल यहाँ लगती है तो वो थोड़ा क्रैक आता है पहले, आप उसको पहले ही एक बाइंडिंग करवा लीजिए, या जैसे ही आ रहा है उस टाइम पे बाइंडिंग करा लीजिए, तो बैट काफ़ी प्रोटेक्ट हो जाता है। ठीक है भाई, ठीक है। तो मैं दोस्तों को, अपने व्यूअर्स को स्टोर का भ्रमण करवाता हूँ। इतने हमारे गजेंद्र भैया करते हैं थ्रेड डिस्प्ले कंप्लीट। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा बॉल्स का सेक्शन है, मैं बॉल दिखाता हूँ आपको। ये हमारी सुपर लीग की बॉल है, बहुत अच्छी बॉल है, बहुत अच्छा लेदर यूज़ हुआ हुआ है इसमें, 4-पीस बॉल है, ठीक है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। फिर आपको मैं, ये देखिए, ये हमारी क्लब स्पेशल बॉल है, बहुत अच्छी बॉल है ये भी, हमारी 4-पीस है ये भी, इसमें भी लेदर बहुत अच्छा यूज़ हुआ हुआ है। और इन बॉल्स की, इस बॉल की ऑलमोस्ट 20-30 ओवर्स की गारंटी है, और इस बॉल की 30-35 ओवर्स की गारंटी है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है इन बॉल्स की। और दोस्तों मैं आपको एक बॉल और दिखाता हूँ, ये देखिए, ये हमारी बिगी की बॉल है, हमारा अपना ब्रांड है, टेस्ट के नाम से ये बॉल है, 4-पीस है, और ये एक्चुअल में टेस्ट बॉल है दोस्तों, ये टेस्ट मैच के लिए रिकमेंडेड बॉल है। ये सेम मटेरियल इसमें यूज़ हुआ है जो हमारी इंडिया में टेस्ट टीम, इंडियन जब टेस्ट मैचेस होते हैं उसमें जो बॉल यूज़ होती हैं, सेम लेदर, सेम ये थ्रेड इसमें यूज़ हुआ हुआ है, और इस बॉल की गारंटी मिनिमम 50 ओवर्स की है। सो ये एक फिंगर टेप है दोस्तों, ये फील्डिंग के लिए काम आती है, जब देखते होंगे आप विराट कोहली भी इसको यूज़ करते हैं। ये दोस्तों जिंक क्रीम है जो कि गर्मियों में यूज़ होती है, आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करती है, सनस्क्रीन है ये, वाटर रेजिस्टेंट भी है। देन हमारे पास वाइट बॉल भी है सुपर लीग में सेम, और क्लब स्पेशल वाइट बॉल है, और दोस्तों पिंक बॉल मिल जाएगी आपको, अगेन बिगी टेस्ट में मिल जाएगी। ये बॉल की, इस बॉल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, अब्रॉड बहुत जाती हैं ये बॉल्स इस कैटेगरी में, टेस्ट वाली बिगी की बॉल्स, वाइट हो रेड हो सब जाती है, बिगी में भी आपको वाइट बॉल मिल जाएगी। ये देखिए आप, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है इन बॉल्स की ब्रदर। और भी बहुत सारा सामान है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, चेस है या सनग्लासेस हैं, टेबल टेनिस से रिलेटेड है, बैडमिंटन से रिलेटेड है। ये देखिए दोस्तों, कैप्स मिल जाएंगी, हैट्स मिल जाएंगे आपको क्रिकेट से रिलेटेड, सॉक्स मिल जाएंगी, ये देखिए SG की सॉक्स हैं, हेलमेट की एक्सेसरीज आप कोई भी मंगा सकते हैं हमारे से, कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। गर्ल्स के लिए सॉक्स मिल जाएंगी, हेडबैंड मिल जाएंगे, सपोर्टर्स मिल जाएंगे, देखिए आप दोस्तों ये सारे सपोर्टर्स रखे हुए हैं, सॉक्स की वैरायटी रखी हुई है, फुटबॉल स्टड्स मिल जाएंगे बच्चों के से लेके बड़ों तक, ये देखिए छोटे बच्चों के हैं, ये बड़ों के फुटबॉल स्टड्स हैं निविया में, बास्केटबॉल्स, फुटबॉल्स। और चलिए अब हम चलते हैं गजेंद्र भैया के पास, देखते हैं गजेंद्र भैया ने, ये देखिए ये पूरा टाइट कर चुके हैं गजेंद्र भैया इसको, गजेंद्र भैया दिखाएंगे एक बार। हाँ जी जी, ये देखिए दोस्तों, ये पूरा टाइट हो गया, ये देखिए पूरा टाइट हो चुका है, बिल्कुल भी हाथ लगाने से हिल नहीं रहा है ये। और अब इसको, इसके बाद इसका प्रोसेस रहेगा, हम इसको पेस्ट करेंगे ताकि ये खुले ना, पहले इसको, ये देखिए जो लास्ट स्टेज है इसकी, ये थ्रेड को कट करके फाइनल स्टेज पे टाई भी करना है,
तो वो भी आप देखिए वो कैसे करते हैं, सो दैट आप खुद कर सकें, क्योंकि ये सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट होता है यहाँ पे कि इसको टाई कैसे करना है। सो ये देखिए दोस्तों, ये इसी थ्रेड से बहुत आराम से, जो कि ताकि आपका बैट भी को भी डैमेज ना हो, ये देखिए आप, ये देखिए आप, हमने इसको इसी के नीचे बिल्कुल टक इन कर दिया, हम कहते हैं ना टक इन करना, ये इसको हमने टक इन किया है ताकि ये हिले ना। और सेम हम इधर से दूसरी साइड से जो थ्रेड है इसको कट कर दिया और इसको भी ऐसे ही हम टक इन करेंगे, ताकि ये देखिए दोस्तों, और ये देखिए आप देख सकते हैं ये बैट पे थ्रेड इस पे हो चुकी है, ये देखिए दोस्तों बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हो चुकी है। और अब इसके बाद इसका नेक्स्ट प्रोसेस है, ये देखिए, ये भी मैं प्रोसेस आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको पता हो। ये एरल्डाइट की या फेविलाइट के नाम से ट्यूब्स आती हैं, इस पे देखिए ये हार्डनर है और ये रेसिन है, रेसिन, तो इनको मिक्स करेंगे। अभी देखिए आप, ये थोड़ी जितनी ज़रूरत है हमें उतनी थोड़ी थोड़ी मात्रा में दोनों, ये देखिए हमने बहुत थोड़ी ये लिया है और दूसरी ट्यूब में से भी ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी में हमने दूसरा मटेरियल ले लिया। और अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, चाहे वो फिंगर से कर लें या किसी भी ऑब्जेक्ट से कर लें। ये देखिए दोस्तों, बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद, ये हमने दोस्तों हमने गत्ते का पीस लिया है, वो इसलिए लिया है क्योंकि हम एक प्लेट या परमानेंट एक प्लेट नहीं यूज़ करते, क्योंकि ये इकट्ठा होता जाता है, क्योंकि ये थोड़ा यूज़ होगा कुछ बच जाएगा और वो इसमें फिर जम जाएगा, तो इसलिए हम इसको यूज़ करने के बाद इसको इसको फेंक देते हैं। तो ये अब हम देखिए, अब फिंगर से इसको हम ये इस तरीके से इस पर अप्लाई करेंगे, और बहुत ज़्यादा भी अप्लाई नहीं करना, थोड़ा थोड़ा अप्लाई करना है, ये देखिए आप, ताकि ये इसके अंदर चला जाए और इसके ऊपर भी रह जाए, ताकि ये प्रॉपर पेस्टिंग इसकी प्रॉपर हो जाए, फिलिंग इसकी प्रॉपर हो जाए। आप ये देख सकते हैं, दोस्तों आप अपने कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आप किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पे या किसी रिपेयर से रिलेटेड कोई आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप हमारे से पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसको भी कवर करने की। हम हर तरीके से बैट को रिपेयर कर लेते हैं दोस्तों, हैंडल भी लगा देते हैं, हैंडल रिपेयर कर देते हैं, थ्रेड हो जाती है या बैट में कहीं से भी क्रैक आया होता है उसको भी हम लोग पूरा प्रॉपर तरीके से रिपेयर कर देते हैं दोस्तों, और आप ये खुद भी कर सकते हैं। ये आपको दिखाने का मकसद ये है कि ताकि आपको किसी पर डिपेंडेंट ना होना पड़े, आप ये खुद कर सकें, बहुत ईजी है। और जब ये एक बार ये लग जाएगा तो ये हम जो साइड हैं ये कपड़े से हम किसी से मुझे दे जाओ, ये देखिए मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये देखिए जो इस पे एरल्डाइट पेस्ट होने के बाद ये देखिए बिल्कुल क्लीन हो गई है, ये पेस्ट हो गई। और अब हम जहाँ जो वुड का जो दूसरा पार्ट है, बाकी का पार्ट है, ये हम इसको क्लोथ से बिल्कुल साफ़ कर देंगे ताकि ये बाकी की वुड पर लगा ना रहे। ये देखिए दोस्तों कितनी बारीकी से, कितने साफ तरीके से बिल्कुल हम इसको, ये देखिए क्लीन हो गया, अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे पहले लगा हुआ था सॉल्यूशन, यहाँ पे अब ये साफ़ हो चुका है, ये देखिए। और दोस्तों इसके बाद इसको लगभग 4 से 5 घंटे के लिए सूखने के लिए रखना है, और सूखने के बाद ये बिल्कुल सूख जाएगी, जब आप इसको टच करेंगे यहाँ पर तो बिल्कुल भी आपको ये गीला महसूस नहीं होगा। सो दोस्तों अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, या आप कुछ भी हमारे से इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर्स दिए हुए हैं, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं। अगर आपको कोई पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे कोई वीडियो बनवानी है या आप जानकारी लेना चाहते हैं, आप हमें लिख सकते हैं। सो फाइनल एक बार लुक, ये देखिए ये फाइनल लुक आ गई, अब हम इसको सूखने के लिए रखेंगे ताकि ये सूखे अच्छे से और इसकी एक फाइनल लुक आ जाए दोस्तों। तो दोस्तों ये हमने आपको इस वीडियो में बताया कि हाउ टू थ्रेड अ बैट, बैट को थ्रेड कैसे करते हैं, कितना करना चाहिए, किस हमने उसकी सॉल्यूशन को कैसे यूज़ करना है, उसकी उसको मिक्स कैसे करना है,
उसको अप्लाई कैसे करना है, हर चीज़ हमने इन डिटेल आपको इस वीडियो में जानकारी दी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा साहिल सचिन व्लॉग्स हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। बहुत प्यार मिल रहा है आपका, थैंक यू सो मच फॉर योर लव। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू, ओम शांति, गॉड ब्लेस यू।